हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंजन में क्लच प्लेट का कैसे फिटिंग होता है और अगर कभी भी आपको रिपेयरिंग आएगा तो उसमें आपको कैसे रिपेयर करते हैं उसका पूरा वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें आपको सबसे पहले ये बेरिंग को डालना है। बेरिंग का नंबर आता है 6300। अगर बेरिंग ख़राब है तो बेरिंग भी नया डाल देना है। बाद में बेरिंग हो गया, बाद में इसकी क्लच प्लेट है जिसे फेसिंग प्लेट भी कहा जाता है, इसको कंप्लीट बीच में मिला लेना है उसका कंप्लीट सीधा। ये होल और ये बेरिंग का होल कंप्लीट एकदम सीधा होना चाहिए, वही सही क्लच प्लेट बोलते हैं। बाद में इसका ये जो प्रेशर प्लेट है जो इसके ऊपर प्रेशर रखती है, इसको ऐसे रख देना है सीधा। इसका जो होल होता है 6 होल होता है उसको मिला लेना है 6 होल। और सबसे मेन बात है कि इसकी जो बीच में दूरी है ये वाली दूरी वो सही रहना चाहिए। अगर वो ये वाली दूरी एकदम सही है तो ये क्लच प्लेट सही से काम करेगा। इसकी बीच की दूरी रहनी चाहिए 3 या 4 mm तक इसकी दूरी रहनी चाहिए। हमें अभी इसमें दूरी है 5 mm, तो इसके बीच में हम एक छोटा छोटा सिम्स रखेंगे और इसकी दूरी सही करेंगे। तो इसमें छोटा छोटा सिम्स है तो बीच में हम एक एक रखेंगे 6 और 6 होल, एक एक तरह से जहाँ जहाँ होल है उधर एक एक रखेंगे हम। सब होल के नीचे एक एक हम रख देंगे बीच में। एक इधर भी आएगा, देखो इस तरह सिम्स रखा है और इसमें 6 mm का बोल्ट आता है। तो 6 mm का बोल्ट डालकर हमें कंप्लीट पूल टाइट कर देना है। कोई भी ट्रैक्टर है, फोर व्हीलर है या कुछ भी है, सब में ये सिस्टम सेम ही आती है, अलग अलग नहीं आता है। सब में प्रेशर प्लेट मतलब क्लच प्लेट फेसिंग प्लेट में ये सब सिस्टम सेम ही आता है। छोटा बड़ा आता है लेकिन सिस्टम सेम आता है। इसके 6 बोल्ट हैं तो टाइट कर देना है। इसमें आप कोई भी पाना यूज कर सकते हैं, मतलब रिंग पाना या पट्टी पाना बोलते हैं, फिक्स पाना बोलते हैं, वो भी लगा सकते हैं। इस जो टाइट करने के बाद एक दूरी कंप्लीट नीचे टच हो जाना चाहिए। पहले हल्का हल्का टाइट करना है, मतलब टच कर देना है नीचे की ओर ताकि प्रेशर प्लेट को कोई भी दिक्कत ना आए। अभी हमारे सब बोल्ट हल्के से टाइट हो गए हैं। अब इसका फाइनल हाथ एक लगाना पड़ेगा जो अच्छी तरह से टाइट करना होगा सबको, ताकि जब गाड़ी रनिंग हो तभी खुल ना जाए। अगर खुल गया तो बड़ा बहुत बड़ा इसमें एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी टूट भी सकता है, इसलिए इसको टाइट अच्छी तरह से करना है। और इसमें बोल्ट भी अच्छी कंपनी का लेना है, TVS या अच्छी कंपनी का। अगर बोल्ट खराब हो गए तो अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये क्लच प्लेट का कंप्लीट असेंबली तैयार हो गया है।
बाद में इधर इसमें सब्जी के ऊपर ग्रीस अच्छी तरह से लगा देना है ताकि अंदर का काम सही से करें।